Yes. नहीं नहीं ये नामुमकिन है. आप नोटिस लगा दीजिए, हम बोनस नहीं दे सकते. दादाजी मूलचंद कंपनी के शेयर का स्टेटमेंट देखा? कितना प्रॉफिट हुआ? कितना? 5 लाख. कितना? 71,000. नहीं नहीं रोकिए, भाव अभी और बढ़ेगा. कम से कम 7 लाख रुपया प्रॉफिट होना चाहिए. क्या कहा? रिस्क. व्यापार में थोड़ा रिस्क को थोड़ा गैम्बल करना ही पड़ता. नहीं नहीं मैं कहता हूं रोकिए. दादाजी मुझे कुछ रुपए और चाहिए. अभी परसों तो 15,000 ले गए थे. इतना रुपया कैसे खर्च करते हो? वैसे जैसे आप कमाते हैं. क्या गैम्बल? लेकिन आप जीतते हैं और मैं हारता हूं. आनंद फजूल खर्ची का तुम्हें नशा हो गया. और मैं करूं भी क्या दादाजी, आप तो जानते हैं कि बिजनेस वगैरह मुझसे होगा नहीं. आप मेरी इस फिजूल खर्ची को अपने अमीरी का इश्तहार क्यों नहीं समझ लेते हैं? आखिर मैं हूं ही कौन? सेठ द्वारका दास का पोता ही तो हूं. रेखा से भेंट होती है? रेखा? ओह शुगर मिल्स. जी हाँ होना ही चाहिए. उनसे संबंध रखो, इसी मेरी खुशी है. कितने रुपए चाहिए? फिलहाल 25,000 दादाजी. जाओ कैशियर से ले लो. थैंक यू दादाजी. काम है. झूठ बोलते हो. मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं सुनूंगी. आज तुम्हें चलना होगा. चलो कहीं दूर घूमने चलें. वो देखो वो साहब आ गए. बाय बाय मिस्टर शेखर. मिस्टर शेखर. शेखर मैं जानता हूँ आप शेखर नहीं, लेकिन मेहरबानी करके मेरे साथ हैंडशेक कीजिए. हैंडशेक कीजिए ना. वो जो लड़की खड़ी है, वो लड़की वो मेरा पीछा कर रही है. मुझे उससे बचाइए, यहाँ से ले चलिए मुझे. मगर मैं तो बिल्ली खेलने जा रहा हूँ. आपके साथ चलता हूँ, ले चलिए मुझे. डैडी देखा, प्रिंस हमारी इंसल्ट करके चले गए. रो मत बेबी, रो मत. मैं कल ही तुम्हें द्वारका दास के पास ले चलता हूँ. चलो अब घर चलें. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. स्कॉच फॉर यू? नो थैंक यू. एक डबल स्कॉच. सिगरेट? जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता. आप बिलियर्ड तो खेलते हैं? यहाँ खेल तो लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता. क्यों? इस खेल में जोश नहीं है, रफ्तार नहीं है, मुझे नींद सी आने लगती है. अच्छा, तो आपको हर एक चीज में जोश और रफ्तार चाहिए. जी, रफ्तार ही जिंदगी है. तो इसीलिए आप जिंदगी को तूफान की तरह से भगाए लिए चला जाना चाहते हैं. मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं. जी कि मैं आपके बारे में क्या जानता हूँ. एक जमाने में मैं भी जिंदगी को दोनों हाथों से. मगर हमारा आपका कोई परिचय तो है ही नहीं. मेरा नाम है कर्नल मिश्रा. हाउ डू यू डू कर्नल मिश्रा. मेरा नाम आनंद है. प्रिंस आनंद.
जिन्हें सिर्फ आनंद राय बहादुर द्वारकादास का पोता हूं और उनका अकेला वारिस। कह सकते हैं कि भविष्य का करोड़पति, इसीलिए लोग मुझे प्रिंस कह के पुकारते हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप इससे कुछ खुश नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मुझे खुश होना चाहिए? कमाल है। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि आपको खुश तो नहीं होना चाहिए, फिर भी आपके चेहरे पर इतनी परेशानी। एक बात पूछो, वो ये कि आप इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर ये मेरे साथ कैसे? उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। शादी हुई नहीं, आप दूर दूर भाग रहे हैं। शादी होने के बाद क्या होगा? उनके पिताजी के कई चीनी के कारखाने हैं जो शादी के बाद मेरे दादाजी के हो जाएंगे। करोड़ों की बात है कर्नल साहब, करोड़ों की। देखा प्रिंस, अगर जिंदगी को लापरवाही से धकेलेंगे तो इसी गेंद की तरह आपको वापस भेज देगी, लेकिन अगर जतन और प्यार से चलाएंगे तब मंजिल पे पहुंचेंगे। मंजिल? कैसी मंजिल? चाहती का गाना सीखूंगा, लेकिन सुर फूटने से पहले चारों तरफ से वाह वाह हुई कि मुझ जैसा गाने वाला सारे हिंदुस्तान में नहीं है। कागज पर यूं ही एक लाइन खींच दी तो शोर हुआ कि चित्रकला की ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की। इन तारीफों की आड़ से चापलूसी का नंगा चेहरा जब सामने आता है, जब लोभी आंखें साफ चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, तो नफरत से दम घुटने लगता है। क्या आप बता सकते हैं कर्नल साहब कि ऐसे जीवन का क्या मतलब है? ऐसे जीवन का तो कोई मतलब नहीं जिसमें कोई ख्वाहिशें ना हो या कोई तमन्नाएं ना हो, मगर आपकी जिंदगी के दायरे के बाहर बहुत से लोग, उनको भी आपने कभी देखा है जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और खाते हैं और जिंदगी का मजा लेते हैं? आपके साथ तकलीफ यह है कि आपकी दौलत ने आपको कंगाल कर दिया है, सबसे अकेला कर दिया है, और इन चीजों से बचने के लिए आप अपने ही दायरे में चक्कर लगाते रहते हैं, सच्ची जिंदगी को पहचानने की कोशिश नहीं करते। आप जिंदगी को धोखा देते हैं, इसलिए जिंदगी आपको धोखा देती है। जरा इधर आइए प्रिंस। ये मुट्ठी में रेत लीजिए, लीजिए और थोड़ी सी जोर से दबाइए। अब मुट्ठी खोलिए, जिंदगी भी ऐसी है, जोर से पकड़ने जाइए तो हाथ से निकल जाती है। उसे खरीदी ही दिनों में मेरी बेटी की शादी आनंद से होने वाली है, लेकिन जिस तरह वो इससे भागता फिरता है उससे तो यही मालूम होता है कि रेखा उसे पसंद नहीं है। पसंद? ये आप क्या कह रहे हैं? रेखा बेटी को मैंने पसंद किया, उसके पसंद ना पसंद का सवाल ही नहीं उठता। एक बात और है, बुरा ना मानिए, जिस तरह आजकल आनंद जिंदगी बसर कर रहा है उसे देखकर तो मुझे रेखा के भविष्य के बारे में डर लग रहा है। आप भूल रहे हैं मैं जो हूं। ठीक है जब तक आप, लेकिन उसके बाद। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि ये शादी की बात यहीं खत्म कर दिया। डैडी। ऑल राइट बेबी, ऑल राइट। यही तो मुसीबत है राय बहादुर। आप चिंता न कीजिए, आनंद मेरा पोता है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत। तब तो मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अच्छा तो मैं चलूं, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड। चलो बेबी। बाय बाय। छोटे साहब,
मालिक साहब। आनंद कहाँ है? जल्दी उठ जाइए, मालिक आ रहे हैं। छोटे साहब कितनी बार कहा सुबह परेशान मत किया करो, गेट आउट। सुबह नहीं छोटे साहब, 11 बज चुके, उठिए उठिए ना। क्या मुसीबत है, ठीक से सोने भी नहीं देता। लीजिए चाय पीजिए। चाय नहीं, एक छोटा विस्की ले आओ उस कॉकटेल कैबिनेट में से। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? सुना नहीं? नहीं, सवेरे सवेरे मैं ये जहर नहीं दूंगा। गेट आउट। दादाजी आप जो कर रहे थे कर लो। दादाजी यूं ही जरा ठंड लग गई थी। आनंद, न मैं झूठ बोलता हूं न झूठ सुनने का आदि। ताज्जुब है, सारी दुनिया कब से उठकर अपने अपने काम से लग गई और उसके 5 घंटे के बाद तुम्हारा दिन शुरू होता है। और अगर मैं ये कहूं दादाजी कि वो लोग दिन शुरू होने से 5 घंटे पहले ही काम पर चले जाते हैं तो? हाँ, तुम तो यही कहोगे, इसलिए कि तुम्हें वक्त की कीमत नहीं मालूम। वक्त गुजारने के लिए तुम्हारे पास काफी दौलत है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि किस तरह एक मामूली आदमी की हैसियत से कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने दौलत हासिल की और तुम? मेरी और आपकी क्या बराबरी? मैं खड़ा एक करोड़पति का इकलौता पोता और आप थे एक मामूली गरीब इंसान के बेटे। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें वही मामूली इंसान बना सकता हूं, लेकिन नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि तुम्हारे में एक मामूली इंसान बनने की भी काबिलियत नहीं। दादाजी क्या आप मुझे? मैं तुम्हें सुधारने नहीं आया, सिर्फ इतना कहने आया हूं कल शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें शादी पक्की करनी। शादी? हाँ, इसलिए कि तुम दूसरे काबिल तो नहीं, सिर्फ तुमसे यही फायदा उठाया जा सकता है। रेखा एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी है। रेखा, तुम्हारी शादी का मतलब शक्कर के सारे कारखाने मेरे हाथ में। मतलब शादी नहीं, सौदा कर रहे हैं? खोटे सिक्के यूं ही चलाए जाते हैं। अगर मैं खोटा सिक्का हूं तो इसका कसूरवार कौन है? आप। चुप, नालायक, ऐसी बदतमीजी मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं भी ये शादी नहीं करूंगा, आप मेरी इज्जत से नहीं खेल सकते। जिसमें अपने पांव पर खड़े होने की भी ताकत नहीं, जो मेरे सहारे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता, उसकी क्या इज्जत? तुम हो क्या? तुम्हारी हकीकत क्या है? आनंद, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं देखना चाहता हूं कि मैं हूं क्या, मेरी हकीकत। ओ, तो तुम देखना चाहते हो कि तुम कौन हो? तो सुनो, तुम जो सांस ले रहे हो वो भी मेरे पैसों की बदौलत। मेरे पैसों के बिना तुम एक दिन भी नहीं जी सकते। और हकीकत? हकीकत यह है कि रास्ते के कुत्ते भी अपनी रोटी खोज लेते हैं और तुम इस काबिल भी नहीं। आनंद, आनंद, खाना लगाऊं मालिक? आनंद है? जी नहीं। कैसे आ लेने तो? छोटे बाबू जिस तरह नाराज होकर चले गए, क्या वो आज वापस आएंगे? आएंगे नहीं तो जाएंगे कहां? हकीकत यह है कि रास्ते के कुत्ते भी अपनी रोटी खोज लेते हैं
और तुम इस काबिल भी नहीं। जेल ही अच्छा है, वहां कम से कम रहने खाने का बंदोबस्त तो होगा। ज्यादा बातें मत करो, चलो 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 यहां से चलो। क्यों भाई, क्या हुआ? यहां से निकाल दिए। निकाल दिया? बड़ा अच्छा किया, एकदम ठीक किया, इसमें गलती क्या है? अरे भाई ये पार्क है, हवा खाने की और आराम करने की, यहां तुम कैसे सो सकते हो? वो सामने फुटपाथ है ना, चलने फिरने की जगह है, वहां तुम सो सकते हो। हाँ वो देखो वहां कितने आदमी सो रहे हैं। हाँ? नहीं समझ में नहीं आई बात। अच्छा तो देखो खाने पीने की चीज ले लो, अब एक दुकान में खाने पीने की चीज सजी हुई है, तुम्हें भूख लगी है मगर वहां से नहीं खा सकते इसलिए कि चोरी हो जाएगी। अगर भूख लगी है तो जमीन से उठा के खाओ, कचरे के डब्बे से उठा के खाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। यार सूरज शक्ल से ऐसा लगता है घर से झगड़ा करके आओ, और नहीं तो शहर में नौकरी की तलाश में आओ। ठीक है बेकार बेकार हूँ ना, और सूरज शक्ल से ऐसा लगता है कि तुमने खाना वाना भी नहीं खाया। चलो आ जाओ मेरे साथ। कहाँ? अरे मेरे घर, खाने सोने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। नहीं भैया रहने की जगह तो। हाँ रहने की जगह मगर किराया ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ये है कि मतलब हर बात का मतलब निकलता है, अजीब आदमी तुम। चलो मेरे साथ। लेकिन पहले आप अपना नाम तो बताइए। आप अपने सीधा सीधा तुम, मेरा नाम है मोहन, छापे खाने में काम करता हूँ और रात पाली करके घर जा रहा हूँ, समझ में आ गई आपके? आइए आइए चलिए। अरे यार कमाल है तुम्हारा नखरा, इसमें शर्माने कौन सी बात है, चलो चलो। अरे आ जाओ, हम इसके पीछे रहते हैं, जो मकान है इसके पीछे। क्यों मामू फिर खांसी शुरू हो गई? अरे ठीक हो जाएगा भाई। अरे हाँ एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, मेरी एक बहन है, दिमाग की बड़ी तेज है। बापे बाप। तो फिर मैं चला। अरे नहीं नहीं इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस तुम ऐसा करना तुम चुप रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। आओ आओ चलो आओ आओ। शांति शांति आई। ये ले डब्बा ले डब्बा। शांति तुम मेरी रात पाली से तुझे बड़ी तकलीफ होती है ना, मेरा मतलब है कि सो नहीं सकती कुछ नहीं हो। बात क्या है, आज तुम गए क्यों? बस यही तो तुझमें खराबी है, कोई सीधी बात बोलो तो उसका भी उल्टा मतलब समझ। सीधी बात मत कहो। अरे सुन तो। बोलो क्या है? अरे शांति आज तूने खाना कम दिया था। क्यों? पेट नहीं भरा इसलिए। ओ तो खाना बांट आए हो। देखो भैया ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, रोज रोज खाना बांट देना, नए नए आदमी को पका लाना, मैं तब मुझे नहीं जाता। तो मत खाओ, मत दो खाना। हाँ एक रात को खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं, ज्यादा ज्यादा भूख के मारे नींद नहीं आएगी तो नहीं आए तो नहीं सुनूंगा। बस बस ला तू खाना। बाप रे बाप दम कर रखा है। अरे बारे मेरी बहन। अरे शांति एक काम कर, एक काम कर, एक प्याज लिया ऐसे मुखा मार के। अच्छा चल जल्दी। अच्छा।
लगी आज। अरे शांति, ये मेरे मालिक है ना, पैसा देते हैं मगर खून चूस लेते हैं। आज मैं डबल खाना खाऊंगा। बासी रोटियां छोड़ दो भैया, मैं अब गरम गरम बनाए लाती हूं। अपने बाप ने नहीं, तब तक मैं भूख से मर जाऊंगा। घर में जो कुछ भी हो तू वो ले आ। अच्छा भैया, हाँ, ले आ। अरे वाह 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 वाह, आ जाओ बैठ, बढ़िया तू मेरे पास बढ़िया। वाह हा, कितनी अच्छी है मेरी बहन, कितना अपने भैया का ख्याल करती है। वाह रे मेरी बहन, वाह। हिस्की हिस्की हिस्की, पानी पियो। अरे हाँ पानी 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 पानी। भैया इधर देखो, देखो इधर, उधर नहीं, इधर इधर हिस्की इधर। समझी? समझ गई? हाँ समझ गई। अरे शांति, ए शांति, शांति शांति देख ना शांति, बेकार है बेचारा, धोखा था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं धारा मसाला ले चलो, यह तो सदाव्रत लगा ही रहता है। अरे नहीं शांति, जरा सोच तो सही कि आधी रात को गरीब जाएगा कहाँ। जाए ना सिंह समय, हमने दुनिया का भूखे नंगों का ठिकाने रखा है क्या? ए ए लो साहब किधर चले हैं? जहाँ सिंह समय किसी चार बार नीचे सो रहा हूँ। एक तो गरीबी ऊपर से अमीर जैसा नखरा, बैठो चुपचाप बैठो। चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, अब भी इसका गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो लो पानी पी लो, इसकी बंद हो जाएगी। वो तो अपने आप बंद हो चुकी है। झूठ, अपने आप नहीं, तूने डांटा ना इसलिए। ए हंसता क्यों, हंसता क्यों, बार बार खा लिया ना? खा लिया। सच? सच। नखरा। देखा मेरी बहन, जितनी आग भरी है ना इसकी जबान में, उतनी ही मिठास भरी है इसके। मैं समझ रहा था तुम्हारी बड़ी बहन है जिससे तुम इतना डरते हो। बड़ी कह लो छोटी कह लो, मेरी सब कुछ है, सब कुछ। भैया को तक पर सोने दो और तुम यहाँ सो जाओ। नहीं मैं यहाँ सोता हूँ और तुम यहाँ सो जाओ। नहीं सुना है तो ही सो, नहीं तो जा निकल यहाँ से। सो जाओ, सो जाओ आराम से, सो जाओ, ये लो तकिए, ये लो, सो जाओ आराम से। अब बोले मुझे भी सलाह दे।
नहीं बनी? बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास। ऐसी चाय तो मैंने जिंदगी में नहीं पिया। गर्म है ना इसलिए। कल बुरा तो नहीं मान गए? नहीं तो मैं, मेरी जबान पर चल गई तो रोके नहीं रुकती। अगर औरत हूं ना। अच्छा तुम्हारे कौन कौन है? मेरा कोई नहीं है। माँ बाप? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं। झूठे कहीं के। भाई नहीं तो भैया तुम्हारे कौन है? बहन नहीं तो मैं कौन हूँ? भूल हो गई। इतने उदास उदास क्यों रहते हो? काम नहीं इसलिए? तो क्या हुआ, जंगल में तो पड़े नहीं हो? वो सामने देखो, भीषण की माँ 70 वर्ष की बुढ़िया, उपली बस कर रोटी कमा लेती। तो क्या तुम नहीं कमा सकते? इतनी हत्या करते नौजवानों का हिम्मत हारते हो? सच कहती हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हें खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ नौकरी ढूंढो। जाता हूं। सुनो, नौकरी मिले चाहे ना मिले, दिन ढाले लौट आना। घर में कोई बात करने को भी नहीं है। बात करने को या बात सुनाने को? जाते हो कि नहीं? जाता हूं। जाओ। जाता हूं। आने लगे दीवाने,
मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, मिला मेरे गीत में फसाना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। गेसु बने जंजीरें पैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें। गेसु बने जंजीरें पैद हुई तकदीरें, नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें। हाय तेरा नाम भी शगुफा है बहार का, हाय तेरा नाम भी शगुफा है बहार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। मुश्किल जब भी तू शर्माई, दिल हुआ मेरा बिस्मिल। भोले भाले कातिल है जीना कर दिया मुश्किल, जब भी तू शर्माई, दिल हुआ मेरा बिस्मिल। खाली नहीं जाता निशाना तेरे प्यार का, ओ खाली नहीं जाता निशाना तेरे प्यार का, मिलने तुझे जो गया जख्मी वही हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसने सुना खो गया पूरा नशा हो गया, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का। Thank you.
यहाँ के बैठा। अरे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अरे भाई यहाँ काम की कमी थोड़ी है, काम वाले आदमी की कमी है। नौकरी का क्या है, आज नहीं मिली कल, कल नहीं मिली परसों होगा। चुप रहो ना, अब इसका बिल पहला देते हैं। आनंद भाई क्या सुनेगा बोलो? कवाली रामू, ये कवाली ये सुनेगा? अरे कवाली तो हम मत मोला लोगों के लिए, ये तो दुखी आदमी है, दुखी इसके लिए तो कोई मजनू रंग की किस्मत है। ठीक है ठीक है, आओ दूसरी बार निकाल लेना, पहला निकलवा नहीं निकाल। आराम से बेटा, अखियां मिला के जिया भरमा के चल नहीं जाना, हो चल नहीं जाना। क्या हुआ? वो आ रही है। वो अरे वो अपने तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी आगो भाई। क्या बात है? पुलिस आ गई क्या? पुलिस नहीं, पुलिस की दादी है। अरे कहाँ गए सब? अभी भी तो शोर मचा रहे थे। अच्छा तुम लोग अपने अपने एरिया में जाओ, कल समिति के ऑफिस में मिलेंगे। अच्छा शांति। आई दीदी। रेनू दीदी वो लोग तो नहीं है। अच्छा तो मैं जाती हूँ, परसों पढ़ाने आऊंगी। और इसकी तरह से अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। देखिए अगर आप लोग मुझसे इतना ही डरते हैं तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मेहनत मैं भी करती हूँ, सारा दिन काम करने के बाद अगर यहाँ आती हूँ तो ये चेताने के लिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या आपसे बड़ी हूँ। आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ने लिखने का थोड़ा सा सौभाग्य जो मुझे मिला है आप लोगों से बांट लूं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं जाती हूँ। नहीं 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 रेनू बहन, ये बात नहीं है। बात क्या है कि दिन भर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता ना। इसीलिए तो पढ़ना चाहिए, आखिर इंसान दिन रात मेहनत मजदूरी क्यों करे? ये बात समझने के लिए, अपना हक और फर्ज जानने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। एकदम बराबर बात है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। जी मैं है तो लेकर। इसमें शर्माने की क्या बात है? ओ वो शर्मा रहे, अरे बुड्ढे बुड्ढे जा रहे हैं, चल तू भी चल, चल जल्दी। अरे अनु दीदी। अरे चल ना, चल पढ़ने तो रही हूँ। हाँ चल ना। अच्छा रामू भैया तुम बोलो, अगर तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने हो। मेरी पगार तो सिर्फ 55 रुपए है, 100 रुपए कहाँ से आएगा? सोच लो तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ओहो मैं हिसाब सिखाने के लिए कह रही हूँ। सोच लो तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए महीने है और तुमने नंदू भैया को उसमें से 20 रुपए दे दिए तो कितने बचे? भला मैं क्यों उसे देने लगा? अगर दे भी दूं तो थोड़ा ही मुझे वापस करेगा। क्या मतलब? मैं उधार लेकर वापस नहीं जाऊंगा। तुम ये बेईमान मत आ। अरे मैं तेरे को घर का बच्चा तू क्या मेरा दांत तोड़ेगा? अरे चल पर पर जा। देख मोहन तू इस रामू के बच्चे को समझा दे। अरे जा 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 जा। अरे आसान सी बात पूछ रही है कि 100 रुपए में से अगर 20 रुपए निकल गए तो कितने बचे? साफ साफ जवाब क्यों नहीं देता फिर? 80 रुपए। हाँ 80 रुपए। अच्छा आप बताइए। आप? यस सर। सर नहीं मिस,
मिस, मिस का मतलब? जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे मिस कहते हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई, इसका मतलब मैं भी मिस हूँ। ओहो, आप मिस नहीं मिस्टर हैं। मालूम होता है आप अंग्रेजी में बहुत कमजोर हैं। अच्छा अंग्रेजी में बोलिए तो, मैं एक लड़का हूँ। आप क्या करेंगे, आप लड़का कैसे हो सकती हैं? आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो लड़का कहे वो या तो अंधा है और या पागल। क्यों भाई, आप बैठ जाइए, मुझे मालूम हो गया आपको एबीसी से भी वास्ता नहीं। फरीदा तुम बोलो, टीओ क्या होता है? गुड। शांति, डीओ क्या होता है? टू। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं कि एनओ क्या होता है? एनओ, एनओ भैया बोलो, एनओ नो। अच्छा, एनओ नो। अरे चुपचाप है, चुप है। एनओ नो नहीं, एनओ नो। एनओ नो, जब टी और ओ टू है और टी और ओ टू है तो एन आर ओ नू नहीं होगा तो और क्या होगा? और अगर नहीं है तो मुझे समझाइए क्यों नहीं। समझाओ कैसे, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, कहने से बात नहीं बनती। अब आप देखिए, क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा काका होता है, द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दादा होता है, ब में आ की मात्रा बा, ब में आ की मात्रा बाबा होगा, बीबी नहीं होगा। क्यों भाई, आप हमें समझाइए कि डी और ओ टू है और टी और ओ टू है तो एन और ओ नू क्यों नहीं होगा? क्या मुसीबत, एनो नू नहीं, एनो नो है, यही कायदा है। और ये क्या कायदा है, क्या नियम है, आप हमें समझाइए, हम लोग अनपढ़ हैं, आप हमें ठीक से पढ़ाइए, वरना आप कह दीजिए कि आप पढ़ा नहीं सकती, आपको कुछ नहीं आता। आनंद, आनंद, मेरा कह रहे इस वक्त तुम बैठ जाओ, बाद में समझ लेंगे। बाद में समझ लेंगे, बाद में समझ लेंगे, और बात है, लेकिन कुछ नहीं आता। गंगा बताओ माँ की अंग्रेजी क्या है? जी मदर। बैठो। चुन्नू तुम बताओ पिता की अंग्रेजी क्या है? फादर। वेरी गुड। नंदू भैया? जी मैं। हाँ, दादा की अंग्रेजी क्या है? दादा, अभी बताता हूँ। दीदी दीदी देखिए ना, पिताजी मुझसे पूछते हैं। चुप, मैंने तुझसे कहा पूछा? क्या मुझे अंग्रेजी नहीं आती? दादा का मतलब हुआ बाप का बाप, फादर फादर टू फादर। दादा की अंग्रेजी है ग्रैंडफादर। नहीं, मैं कुछ भी सुना नहीं चाहता। इतने दिन हो गए, मेरे बच्चे की कोई खबर नहीं? आखिर क्या हुआ, शहर से हवा हो गया? 7 दिन के अंदर अंदर से ढूंढ निकालिए, जाइए। देखो जी मालिक, ये बिस्तर की हालत क्या बना रखी है? वो ऐसे बिस्तर पर सोता है? वो नहीं है तो तुम लोग अपनी मनमानी करोगे? बिठाओ जिससे। जो चट्टाई पर सोने का मजा है वो मखमली भी नहीं है। भुको यहाँ से। क्यों? नंदू चाचा आ रहे हैं। तो क्या हुआ? मियाँ बीबी बाहर जा रहे, मुन्ने को तुम्हारे सर मंडना चाहते। अरे बाप, अरे ओ आनंद, अरे अभी अभी तुम आते कर रहा था। वो तो ऐसे ही है, कभी बात करते करते सो जाते, सोते सोते बात करते हैं। अच्छा, अपना क्या, हम तो एक काम की खबर आए थे। काम वो आ रहा है, मैं भी चलूंगा माँ, मैं भी चलूंगा। अरे यार बात यह है कि बीबी के साथ ससुराल जा रहा हूँ तो मुन्ने ने मुसीबत खड़ी कर दी। हाँ तो तुम्हारा ससुराल मुन्ने का ननिहाल है, इसे भी साथ ले जाओ। कमाल करता है, और टिकट नहीं मिलेगी क्या? टिकट है? ससुराल और टिकट? अरे वो ससुराल नहीं, वो सनीमा वाला ससुराल, सनीमा वाला तेरे प्यारे प्यारे ससुराल। बस, बस, अब चल कि नहीं? चलो है ना, कहना ही तो से। लक्ष्मण जैसे देव रहत, कोनो चिंता नहीं। लो संभाल ले, समय। अच्छा तो चलिए देवर जी। अच्छी बात है, चल चल। तू कहाँ चलेगा, बैठ। मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर गोम्स, तुमको याद है ना, आज मिस्टर अनंत दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन यहाँ आने वाले हैं। जी हाँ। आते ही उसे बाइज्जत यहाँ ले आना। जी हाँ। और सुना है तो वो थोड़ा सा क्रैक है, न जाने किस लिबास में चला है,
कुछ पता नहीं। जी हाँ, ये जिया जिया क्या लगा रखा है? जी हाँ, और देखो अगर कोई आदमी मुझसे मिलना चाहे या कहीं से टेलीफोन आए तो मैं इस ऑफिस में हूं लेकिन नहीं हूं, समझे? जी हाँ जी, नहीं समझा। आप गधे हैं। जी हाँ, दैट्स ऑल सर। जी हाँ। देखिए। जी हाँ, देख रहा हूँ। आप बोल सकते हैं क्या? जी हाँ, बोल भी सकता। मेरा मतलब मैं मैनेजर। मैनेजर कौन सी कंपनी का? मैं इस कंपनी के मैनेजर। वाह साहब वाह, 3 साल से झक मार रहा हूँ और अपने मैनेजर को नहीं जानता। मुझसे मेरी बात तो सुनिए। जी हाँ बोलिए। मैं इस कंपनी के मैनेजर से मिल सकता हूँ? जी नहीं, आज आप तो क्या उनकी बीबी भी आए तो नहीं मिल सकती। अच्छा ठहरिए, इस स्लिप में अपना नाम लिख कर जाइए, 2-3 दिन के बाद आइएगा, हो सकता मिला दूंगा। पेंसिल? हाँ वो भी है, पेंसिल भी है। आनंद आनंद सर 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 सत्यानाश हो गया सर। जी आपका नहीं मेरा, मैं पाँव पर दूँ सर। क्या कर रहे हैं? मैं भूखा मर जाऊंगा सर, मेरी 9 साल की नौकरी छूट जाएगी सर, मेरी मतलब 6 साल की नौकरी छूट जाएगी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप मैनेजर सर आप ही इंतजार कर रहे हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो तो पहले ही हो गए सर, आप पहले चलिए तो सही, प्लीज सर मुझसे कुछ मत बोलिएगा। सर सर क्या बदतमीजी सर, सर आगे मिस्टर आनंद आइए आइए आइए, तस्वीर में की रखिए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, मेरी बात तो सुनिए, बैठिए ना बैठिए 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 बैठिए, सिगरेट लीजिए, सिगरेट लीजिए ना लीजिए। आपके लिए क्या मंगाऊं? टी कॉफी कोला मंगोला? जी कुछ नहीं, मैं ना ना आपको जरूर कुछ ना कुछ पीना ही होगा। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। मिस्टर गोम्स प्लीज सेंड सम कॉफी। जी सेंड द सेक्रेटरी। आप खुद दिल्ली से चले आए, बड़ी खुशी हुई। आप तो जानते ही हैं सूरज प्रसाद झलमल का मलमल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारे जहान में मशहूर है। आप लीजिए 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 लीजिए, काफी पीजिए पीजिए पीजिए, काफी पीजिए पीजिए लीजिए। थैंक यू। अब अर्थ क्या करूं, जब आप सैंपल देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जी देखिए आप नहीं नहीं आप पीजिए ना पीजिए। अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हें पहले से क्यों नहीं बताया कि दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन अनंत बाबू के साथ तुम्हारी काफी जान पहचान है? अब फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहा। नहीं सर है, मैं दिल्ली के अनंत बाबू को तो नहीं जानती लेकिन इन्हें जरूर जानती हूँ, यही बस्ती में रहते हैं। व्हाट, तो तुम आनंद नहीं हो? मैं आनंद ही हूँ लेकिन दिल्ली का आनंद नहीं बस्ती का आनंद। शट अप यू इंपोस्टर, क्या हमको चीट करने को आया था? मैं पुलिस में भिजवा दूंगा, जेल में बिठा दूंगा। रहने दीजिए सर, खामखा झमेला मोल लेने से क्या फायदा, आप जा सकते हैं। गेट आउट, गेट आउट यू स्काउंडरल। सर 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 ये कहते हैं कि ये वो है, वो कहते हैं कि वो ये है। सर सुनो सुनो, कौन कौन है सर? क्या बकरा है? मैं आनंद हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। ओह हेलो मिस्टर आनंद, हाउ डू यू डू, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, तुम यहाँ क्या दिख रहा है? क्या आपका सिगरेट? आइए आइए तस्वीर रखिए। मिस्टर गोम्स जी हॉट कॉफी। जी हाँ। और बेटी तुम मलमल का फाइल ले आओ। सिगरेट लीजिए। मिस्टर आनंद हाउ आर यू? सुनिए क्या है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, आपने झूठे धोखेबाज को पुलिस के हाथों से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस मुझे आपके शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, आपकी बातें सुनने के लिए न मेरे पास वक्त है न तबीयत। तबीयत न होने पर भी बहुत सी बातें सुनने ही पड़ती है। अब तक आप लोगों ने जो कुछ मुझे सुनाया है क्या वो सुनने के लिए मेरे पास तबीयत थी? कहना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, आप शायद चोर पकड़ने के आदी हैं लेकिन मैं चोर बनने का आदी नहीं। मतलब ये कि मैं यहाँ ठगने नहीं आया था, नौकरी की तलाश में। फिर वही झूठ, आपको एबीसी से वास्ता नहीं और ऑफिस में नौकरी के लिए आया? जी हाँ आया था। और बाकी रही एबीसीडी की बात, तो मेरा ख्याल है कि ग्रेजुएट को एबीसीडी से वास्ता है। मालूम है आप क्या सवाल करेंगे, यही ना कि मैं नाइट स्कूल में पढ़ने को गया था।
आपने जबरदस्ती स्टूडेंट बनाकर बिठा लिया था और यहाँ आया था नौकरी की तलाश में, आपने जबरदस्ती चोर बनाकर उठा दिया। अपराध सिर्फ इतना मेरा कि इस खरीद का नाम भी आनंद है, यह मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम है। मुझे और कुछ नहीं कहना है, नमस्ते। उम्मीद है अब आप मेरी नमस्ते कबूल करेंगे। बड़ी गलती हो गई, अनजाने में आपका अपमान कर बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। फिक्र न कीजिए, हम गरीबों का मान अपमान कैसा, हमें नखरों के लिए फुर्सती कहां मिलती है। नहीं नहीं जाइए नहीं, आप बैठिए, काफी पीजिए। ये पी तो सकता हूँ लेकिन देख लीजिए कहीं फिर हाथों से ना छिल जाए। नहीं नहीं लीजिए, आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। सर सर आनंद चले गए क्या? हाँ बेटी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को नहीं मिला? मेरी समझ में नहीं आता बेटी, 3 बरस से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद में रहा और आज मिस्टर अनंत 3 मिनट में 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे गए, मेरी बात तक नहीं सुनी, सैंपल तक नहीं देखा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये सच है या सपना। मैं बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को क्यों मिला। क्यों? वो बस्ती वाले मिस्टर आनंद के बदौलत। व्हाट? दैट स्काउंडल। नहीं सर, वो स्काउंडल नहीं है, वो बेचारे तो नौकरी के लिए आए थे, उनको तो नौकरी नहीं मिली, पर हमारे लिए वो इतने किस्मत वाले हैं कि ऑफिस में उनके कदम रखते ही हमको 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप शायद इस पर विश्वास नहीं करते लेकिन मैं तो करती हूँ। उनका अपमान करके ऑफिस से निकाल दिया गया, मुझे तो डर है कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट भी ना हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए मैंने उन्हें अभी तक जाने नहीं दिया। सर ऐसे लकी आदमी को तो कोई नौकरी देकर जरूर ऑफिस में रख लेना चाहिए। नौकरी? नौकरी तो 100 रुपए महवार शॉर्ट एंड टाइपिस्ट की नौकरी है। सर वो शॉर्ट एंड टाइपिंग बहुत अच्छा जानते हैं। अच्छा? हाँ। तो जा उसे बुला रहा हूँ। चलिए मैनेजर साहब के पास, आपकी नौकरी का इंतजाम हो गया। हो गया? हाँ, 100 रुपए तनख्वाह। 100 रुपया? स्टेनोटाइपिस्ट का काम। मर गया, वो तो मुझे आते नहीं। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, लेकिन याद रखिएगा मैनेजर साहब कुछ भी कहें आप जी हाँ जी हाँ करते रहिएगा। जी हाँ, वो उस टेलीफोन ऑपरेटर की। क्या? चलिए सर, मिस्टर आनंद आ गए। ओ मिस्टर आनंद, आप शॉर्ट एंड टाइपिंग जानते हैं? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्या स्पीड है? स्पीड इजीली 80 माइल्स पर आवर, इवन 90 माइल्स। इनका मतलब है 1 मिनट में 80 शब्द। जी हाँ, मेरा मतलब है 1 मिनट में 80 शब्द। 100 रुपए तनख्वाह मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कल से काम पे आ जाना और बेटी इन्हें अपना काम समझा देना। जी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी, मैं बाहर जाता हूँ तो अपने भैया को अच्छे अच्छे खाने खिलाती। क्यों? क्यों नहीं खिलाऊं? भैया को नौकरी क्यों मिल गई? नौकरी? हाँ। अरे तारू, ए रामू, अरे नंदू, अरे हमारे आनंद को नौकरी मिल गई रे। क्या बात है? क्या बात है? अरे आनंद को नौकरी मिल गई। आनंद कहाँ मिली नौकरी, पगार क्या है? सूरज प्रसाद झलमल कंपनी में 100 रुपया महाबार। 100 रुपया? जानते हो नौकरी किसने दिलाई? नहीं। रेनू दीदी ने? ये अपनी रेनू बहन। कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर, तनी नहीं मन भी कितना गोरा है, कितनी दया, कितनी माया, कितनी हमदर्दी, सोचने से ताज्जुब होता है। और भी तो कितनी लड़कियां देखी हैं लेकिन ये बिल्कुल देवी लगती है। हाँ, अरे चुप क्यों हो गया? बोल 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 बोल, मजा आ रहा है। बस मेरा मतलब है, मालूम है? मालूम है। क्या मालूम है? वही क्या जो छुपाना चाहते? क्या छुपाना चाहते? दिल की बात। चल दो लाख छुपा छुप न सकेगा राज कितना गहरा।
असली नकली चेहरा लाख छुपा छुप न सकेगा राज कितना गहरा दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा खत्म होते ही चलाऊंगा माँ की देखभाल करना और उनसे कहो कि मैं मजे में हूँ चिंता ना करें सबको आशीर्वाद तुम्हारा बाबूजी और मेरे लिए कुछ नहीं लिखा हाँ बाद में लिखा है लिखते हैं मीनू रानी कैसी है मेरे ढेर से प्यार आने के बारे में क्या लिखा है बस तो दिया माँ काम खत्म होते ही चले आएंगे उन्हें लिख दो जल्दी चले आ रूखे सूखे खाकर गुजारा करेंगे कब तो वो दूर नहीं रहे अच्छा नहीं लगता अच्छा कब तक ये झूठा अभिनय कर आखिर कब तक मुझे और नहीं होता अब और नहीं होता कुछ आगे बढ़े आगे कैसे बढ़ूं यहाँ तो सब गलत कैसे आप खुद ही देख लीजिए ना
बचपन में सीखा था कि ए के बाद बी और बी के बाद सी और सी के बाद डी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। ये क्या, आप मेरा नाम क्या लिख रहे हैं? रेनू, छोटा सा नाम है। आप फिक्र न कीजिए, आप कहेंगे तो उसके बाद मैं आनंद 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 टाइप। देखिए, आप मन लगाकर काम कीजिए, मैं बोलती हूँ आप टाइप कीजिए। अच्छी बात। डियर मिस्टर आनंद। चलिए, जब आप डियर कह रही हैं तो मिस्टर कहने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ मुझे आनंद ही कहिए। मैं आपकी बात थोड़ी कर रही थी, मैं तो दिल्ली वाले आनंद को चिट्ठी लिखवा रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। आनंद बाबू, मैनेजर साहब ने आपको बुलाया, कागज पेंसिल लेकर। रेनू जी, मैं घर चला। नहीं नहीं, आप मैनेजर साहब के पास जाइए और जो जी में आए लेते हैं। लेकिन फायदा चाहिए ना, चाहिए ना। अरे चाहिए थी। Come in, sir. Come on, Mr. Anand. Please take down the letter. Mission Sunshine Cloth Mills, Delhi. Dear sir, re-manufacturer of tags. We are in receipt of your letter dated 14th June and have noted the contents with thanks. Fella. Naturally, we like to make tags for you. Thanking you in anticipation, yours, etc., etc. You got it? Yes, sir. Quick, type it and bring it back. अच्छा जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चला। कहाँ? आखिर पकड़ा गया ना? ये लीजिए। थैंक यू सर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, गेट आउट। इजाजत लेके अंदर आओ। मे आई कम इन सर? कम इन सर। लेटर। लेटर? So quick, so fast? जी हाँ जी हाँ, मैं बचपन से ही टाइप टाइपर से खेलता रहा हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। Amazing. सुनो, 10 रुपए इंक्रीमेंट। जी? कम है? 20 रुपए इंक्रीमेंट। 20 रुपया? हाँ, इसी तरह मन लगाकर काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की मिलेगी। थैंक यू सर। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, 20 रुपए का इंक्रीमेंट जो मिला है। मुबारक हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप भी मन लगा के काम कीजिए, आपको भी मिलेगा। आपका खाना बहन जी। बस आनंद बाबू, अब लंच टाइम हो गया। आप क्या खाएंगे साहब, आमलेट, कटलेट, पेटीज, मुर्गी? बस 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 इस चवन्नी में ऑमलेट, कटलेट, मुर्गी सब कुछ मिलेगा। इसमें आमलेट कटलेट तो क्या, घासलेट भी नहीं मिलेगा। फिर एक कप चाय ले आओ, खास में से तो चाय अच्छी है साहब। सिर्फ चाय से भूख मिटेगी? मिटेगी तो नहीं, लेकिन मर तो जाएगी। ऑर्डर दे दिया? जी, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। सिर्फ चाय क्यों? ये बात यह है कि मैं सुबह दबा के नाश्ता करके आया था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। फिर भी मेरे साथ कुछ तो खाइए, साथ देने के लिए सही। आप कहती हैं तो साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ खा नहीं सकूंगा। आप खाइए, मैं देखता हूँ। वाह, ऐसे नजर नहीं लग जाएगी? नजर तो कब की लग चुकी है जी। मेरा मतलब है बस कि... बस मतलब समझाने की जरूरत नहीं, ये जरा चेक कर देखिए ना। अरे ये तो मटर पनीर है।
खाइए ना। आप नहीं खाएंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। ऐसी बात है तो मैं जरूर चख के देखता हूँ। ये मटर पनीर तो बहुत अच्छा बना है। और ये गोभी की भाजी भी। गोभी की भाजी भी बहुत अच्छी बनी। यहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी है। कौन बनाता है खाना? अच्छा आपके घर पे कौन कौन है? अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने ये थोड़ी पूछा था। आपने नहीं पूछा? फिर भी बता देता हूँ, सात पूछिए तो मेरा कोई नहीं, कम से कम कल तक तो कोई नहीं था। आपके घर में कौन कौन है? माँ और एक छोटी बहन बस। अरे मैंने तो सारा खाना खा लिया, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आप चिंता न कीजिए, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इसमें शर्माने की क्या बात है। आप नहीं समझ सकते आनंद बाबू, आज मैं कितनी खुश हूँ। लड़कियों को खुद खाने के बजाय दूसरों को खिलाने में ज्यादा खुशी मिलती है। तब तो सच बता ही दूं, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी थी। वो तो मैं जान गई थी। एक बात पूछो, आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों? इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आपकी तरह मैं भी गरीब हूँ और हर गरीब को भूख का सामना करना ही पड़ता है। आपकी भूख भूख नहीं है क्या? आप मेहनत करती हैं तो क्या दूसरों को खिलाने के लिए? यकीन मानिए आप ही मेरे पहले दूसरे हैं। भगवान करे कोई दूसरा ना आए। जी मैंने कुछ कहा? जी नहीं, आप हाथ धो डालिए और फौरन बैठ जाइए प्रैक्टिस के लिए। जी सुनो, आज टीचर नहीं आएगी, आज आप लोगों को छुट्टी। अरे यार अजीब सुनाता है। अरे मोहन, ए मोहन, लक्ष्य की होटल में चाय पियेंगे। चल लक्ष्य, चल चल भाई। जी मैं हाजिर हूं। बहुत देर लगा दी आपने, कब से आपका इंतजार कर रहा हूं। आइए शुरू कीजिए। और सब कहां गए? चाचा कैसे आए ही नहीं? आए ही नहीं? क्यों? सब लोग बीमार हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। देखिए मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, जाइए आप सबको बुला के लाइए। अब छुट्टी ही दे दी है तो बुलाने कैसे जाऊं? सब लोग मुझे झूठा नहीं समझेंगे? समझेंगे क्या, आप हैं, आप छुट्टी देने वाले होते कौन हैं? आखिर आपने छुट्टी दी क्यों? अकेले पढ़ना चाहता हूं, पिछड़ गया हूं ना इसीलिए, और सब लोगों के सामने पढ़ने में जरा शर्म लगती है। फिजूल बातें मत कीजिए, जाइए और बुला के लाइए सबको। नाराज ना होइए, गुस्से में आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम मस्त नहीं लगती। फिर आप बुलाने जा रहे हैं कि नहीं? जाइए। जाता हूं। ये क्या है? देखिए बारिश हो रही है, कुदरत भी नहीं चाहती है कि वो लोग पढ़ें। नहीं जाएंगे ना? आपके पास कुछ छाता है? जी नहीं। इसका मतलब है कि भीगना पड़ेगा। देखिए बीमार हो सकता हूँ, निमोनिया भी हो सकता है, मर भी सकता हूँ। ठीक है आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। नहीं आपको नहीं जाने दूंगा, भगवान न करे आपको। मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। मरना ही है तो मैं ही मरूं। अच्छा मैं चला। नहीं नहीं मत जाइए आप। क्यों? ठीक तो आ गई। आपका मतलब है बदसुगन हो गया? तो क्या हुआ, मरना तो मुझे ही। बस बस बड़े बहादुर हैं, आइए अंदर। मैं जानता था आप जानबूझ के मुझे मुसीबत में डाल ही नहीं सकती हैं, आखिर लड़की हैं, पत्थर दिल तो नहीं। अब आप चुप बैठेंगे कि नहीं?
जी जी आपने कुछ कहा नहीं तो जी जी आपने कुछ कहा जी हाँ मैं ये कह रहा था देवी जी कि जिस तरह आप बुत बनी खड़ी हैं ऐसा लगता है कि मुझे बुद्धि की पूजा करनी पड़ेगी एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के रंग वफा का मैं तेरी मूरत में भरूंगा अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा पाते शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें दिल का हाल कहूंगा तुझसे मैं ना डरूंगा पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा एक अजायब खाना लेकिन फिर भी पानी इस धरती पर अमर रहेगी मेरी प्रेम कहानी दुनिया एक अजायब खाना लेकिन फिर भी पानी इस धरती पर अमर रहेगी मेरी प्रेम कहानी चाहे कितने रूप में आऊं तेरा रहूंगा पर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा
मर मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। Come in, Mr. Anand, take down the letter, please. लेकिन सर रेनू जी अभी तक नहीं आई। रेनू? What do you mean? मैं बैग लेके आता हूँ। अनंत बाबू, मैनेजर साहब कब से बुला रहे हैं? जल्दी जाइए। बहुत नाराज हो गए हैं। जल्दी जाइए। सुनो 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 सुनो, ये रेनू जी कब आएंगे? मुझे क्या मालूम, आप जल्दी जाइए। मर गया। सर, कितनी देर लगती है पैड लाने में? टेक डाउन द लेटर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी संता क्रूज बॉम्बे। Dear sir, we wish to strongly protest at the delay in your delivering us the staple cotton which we ordered on the 5th of January. You promised to give us the delivery within a month's time. Para, we fail to understand at this neglect on your part of an old and a regular customer. Yours, etc., etc. Got it? Ji, jaldi type karke lao. Quick! असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में, सच कहता हूँ चोर थे ज्यादा दौलत के रखवालों में। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में, सच कहता हूँ चोर थे ज्यादा दौलत के रखवालों में। कल की दौलत आज की खुशियाँ उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। उस
दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया, बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया, बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। आसमान पर रहने वालों धरती को तो पहचानो, फूल किसी मिट्टी में महके तुम मानो या ना मानो। आसमान पर रहने वालों धरती को तो पहचानो, फूल किसी मिट्टी में महके तुम मानो या ना मानो। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे, असली क्या है नकली क्या है पूछो दिल से मेरे। गई नौकरी किसकी? आनंद भैया की। क्यों? सुनता नहीं गाते गाते आ रहे हैं। अरे पगली, गाते गाते आ रहा है इसका मतलब ये है कि पगार बढ़ गई होगी उसकी। नहीं भैया, मैंने ही कहा था नौकरी जाने से गाते वक्त लौट आना। सत्यानाश, क्यों गई नौकरी? देखा भैया तो क्या हुआ, अट्टा कट्टा नौजवान हूँ, दूसरी मिल जाएगी। हाँ ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा शांति, जल्दी से खाना बना, बहुत जोर से भूख लगी है। और सुन, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। दोनों भैया। मिस्टर, तुम पैसा किधर से लाए? पैदल आया, बस का किराया बचा लिया, हाँ खरीद लिया। कितना बढ़िया, कितना सुंदर भैया। अरे तो सुंदर क्यों नहीं होगा, असली है। अरे हाथ खाने का माल असली होता है, नकली है। और पागल, प्यार से दी हुई चीज भी कहीं नकली होती है। ए, तुझे पसंद है ना? क्यों नहीं, जैसे मेरा भाई वैसा हार। अठन्नी का हार और इतना मस्का, देखा जलते है। भैया तुम्हारे लिए परोठा बनाओ। बाप रे, पराठा बनाऊं? पराठा? अरे मेरी पगार मिलने दे, मेरी पगार जो मिलेगी ना तो तेरे लिए मैं बोलाऊंगा, वो इससे बढ़िया चीज लाऊंगा। क्या लाऊं मैं बताऊं इसके लिए? क्या लाओ? इसके लिए एक छैल छबीला दूल्हा लाओ। बाजारी मिलिया तू, ये बात है। मोहन, आज तू यहाँ सो जा और मैं यहाँ जमीन पर सोता हूँ। क्यों भाई? ओ छोट, तेरा कोई कसूर नहीं भैया, नौकरी छूटने के बाद हर आदमी उल्टी सीधी बातें करता। मुन्ने आती हूँ भैया। अरे ये क्या? आज मुझे सुना ले। अच्छा बाबा। Indian.
रही है? तबीयत तो ठीक है ना? समझी, जैसे दुनिया में और कोई बेकार नहीं है। थोड़ी देर मुझे अकेला रहना। नहीं, उठो अंदर चलो। छोड़ मुझे, परेशान न कर। नहीं उठोगे ना? देखो सीधी तरह से अंदर चलो, नहीं तो दरवाजा बंद कर दूंगा। हाँ, कर ले दरवाजा बंद। तेरा बोझ हल्का हो जाए, मेरी भी जान बचे। शांति, शांति। क्या हुआ? मुझे इतना जाने क्या हो गया है, गुस्से में शांति को कड़ी बातें क्या बैठा था? तो क्या हुआ, जो प्यार करते हैं वो डांटते भी हैं। मुझे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। 3 महीनों से एक नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा हूं। इन लोगों ने खुद ना खाकर मुझे खिलाया है और बदले में मैंने। दुनिया हमें सताती, हम उसे तो सता नहीं पाते, इसलिए वो सारा गुस्सा हम उन पर उतारते हैं जो हमारे करीब हमारे पास है। यही तो सवाल है रेनू, जब भगवान हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं तो कुछ पाने का सपना क्यों दिखाते हैं? इसीलिए कभी कभी सोचता हूँ कि इस दुनिया में चोरी किए या छीने बगैर कुछ नहीं मिल सकता। बाप रे बाप, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया, फिर समझाने से कोई फायदा नहीं। अच्छा तो मैं जेल में मिलने आऊंगी। शांति नाराज हो गई। शांति, अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, इनका दिमाग जरा गर्म था, शांति को डांट दिया। बस इतनी सी बात है? बड़ा अच्छा किया शांति को डांटा इसने। वाह, हाँ हाँ, बड़ा है। अगर बड़ा होकर छोटे को डांटेगा नहीं तो बड़ा होने का फायदा क्या है? हाँ हाँ, मैं बड़ा हूँ, देखो मैं भी जाकर उसे भी डांटता हूँ। जाइए, आप भी जाइए, दो मीठी बातें कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। शांति, हाँ यहाँ बैठी है तू? अरे मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दे दे जल्दी से। अरे चुप्पी क्या लगा रखी है? अरे मुझे भूख लगी, खाना देना। घर में कुछ नहीं है भैया। पगली कहेगी तो तू क्या सच समझ गई? अरे मुझे भूख वूख कुछ नहीं है। हाँ तुम ना हो, मुझे है, आनंद भैया को है, घर में खाना भी नहीं। कहाँ चले? देखता हूँ कहीं से कुछ उधार उधार मिल जाए। नहीं, उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। शांति, ऐसी हालत तो हमेशा नहीं रहेगी भैया। आनंद भैया को नौकरी मिलते सब ठीक हो जाएगा। लो बेच के सामान खरीद लाओ। और देखो आनंद भैया ना जानने पाए। बनना नहीं चाहता हूं तुम। बोझा? अरे तू तो अमीरों जैसी बातें कर रहे है। ये बोझा बोझा वही लोग बोलते हैं इसलिए कि अमीर है ना, अपनी अमीरी बांट नहीं सकते बेचारे, लेकिन हम गरीब हैं, अपनी गरीबी बांट लें। कब तक? हमेशा। हमेशा चाहते हो जो भी चूड़ियां मुन्नी की बची है वो भी चली जाए? चूड़ियां देते तो देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा किस उम्मीद के साथ उस बेचारी ने चूड़ियां उतार कर दे दी थी, इसलिए कि वो सोचती थी
एक दिन ये दोनों भाई उसके हाथ चूड़ियों से भर देंगे और तू उसे छोड़कर जा रहा है, डरपोक। जाने तो सही है। जाना चाहते हो ना? जा। साथी से भी लेते जा। आज पता चल गया इस सिर्फ छूटे मोतियों का ही नहीं छूटे प्यार के भी हारे। जाओ चल जाओ यहां से। मुनि मुझे माफ कर दो। मैं इस हाथ की सौगंध खा के कहता हूं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, नहीं कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आनंद, अरे वो आनंद। नौकरी ढूंढने जा रहा था, तूने बीच में टोक दिया। पगले, माँ बहन और दोस्त के टोकने से कहीं अपशगुन नहीं होती? अरे देख, मैंने तेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त किया है। नौकरी? लड़कियों के स्कूल में मोटर बस चलाने का। जा, इनसे कल परसों आराम से मिल लेना। कल या परसों क्यों, अभी जाता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बाबूजी, मेरा बटुआ कोई चुरा ले गया। बेकार बातें मत करो, टिकट नहीं है तो पैसे निकालो। पैसे भी उसी में थे। मैं सब समझता हूँ, पैसे नहीं है तो मैं पुलिस में दे दूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, दया कीजिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसे देख रही हूँ। मैं ये सब फालतू बातें सुनना नहीं चाहता, पैसे निकालो। मैं सच कहती हूँ बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं है। पुलिस, ये रहा बटुआ माता जी, ये रहा बटुआ, ये बटुआ तुम्हारा है। हाँ, मैंने अपने आप मुझे देखा, ये बटुआ के पैसे निकाल। झूठ बोल रहा आपको मालूम है ये बटुए के साथ पकड़े गए, फिर भी आप इनकी जमानत देना चाहती हैं? जी हाँ। ठीक, यहाँ दस्तखत कीजिए। थैंक यू, आप जा सकते हैं, आप भी दस्तखत कीजिए। जी हाँ। आप जाते। रेनू, रेनू, क्या बात है रेनू? उस दिन जब आपने कहा था कि चोरी करना ही अच्छा है तो मैं समझी थी दुखी होकर कह रहे हैं, लेकिन आप सचमुच? तुम भी यही समझ रही हो कि मैंने चोरी की है? मेरे समझने ना समझने का तो सवाल ही नहीं उठता जब आप बटुए के साथ। बेटा, बहुत चोट लगी। नहीं माँ जी, आप घर जाइए। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, दरोगा जी से सब कुछ कह के जाऊंगी, नहीं तो मेरी बीमार बेटी का भगवान भला नहीं करेगा। दरोगा जी, अरे इन्हीं का बटवा तो चुराया था। नहीं नहीं, ये चोर नहीं, मेरी बेटी बीमार थी, मैं उसे देखने जा रही थी। गरीबों ना, मेरे पास पैसा नहीं था, माँ का बिल बिना टिकट ही बैठ गई। जब चेकर को देखा तो घबराहट के मारे मैंने बटुआ छुपा दिया। इन्होंने समझ लिया ये मेरे बटुए में नोट रखने आए, इसे चोर समझ के सब लोगों ने पकड़ लिया। सच कह रही हूँ? हाँ सच कह रही हूँ, मेरी बीमार बेटी की कदर मैं सच कह रही हूँ। बेटा, दुनिया की यही रीत है, भलाई करने जाओ बुराई मिलती है, पर इस बुढ़िया का तुम्हें आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो बेटा। बूढ़ी माँ, अपना पता ठिकाना दिखा दो, क्या नाम है आपका? आनंद बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। सारी दुनिया मुझे गलत समझे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन रेनू तुम
इतने बड़े झूठ को तुमने सच समझ लिया? आनंद बाबू, क्योंकि मैं खुद ही एक बहुत बड़े झूठ के साए में जिंदगी गुजार रही हूँ। यहाँ तक कि झूठ ही मेरे लिए सच बन गया है। आइए मेरे साथ, मेरे घर, फिर आपको मालूम हो जाएगा रेनू ने आपको क्यों गलत समझा। आइए। आइए आइए ना। रेनू, किससे बात कर रही है? माँ, ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, आनंद। आओ बेटा। जी नमस्ते। जीते रहो, माँ की गोद भरी पूरी रहो। जी मेरे ऐसे भागी कहाँ, जब मैं छोटा सा था मेरी माँ चल बसी। ओह, तो क्या हुआ माँ, आप जो मिल गई? नहीं बेटा नहीं, मैं बड़ी अभागन माँ हूँ, नहीं तो क्या मेरा जवान बेटा यूँ चला जाता। माँ कैसे हो तुम, पहली बार वो घर पे आए हैं और तुम? हाँ हाँ, बुरा नहीं माना बेटा, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। आप आइए मेरे साथ। जाओ बेटा। आइए। रेनू, जानती हो आप क्या कहेंगे, यही ना कि मैंने आपका परिचय कॉलेज का दोस्त कहकर क्यों दिया। आज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ आनंद बाबू। मेरे बड़े भाई थे, बड़े ही होनहार, उनको लेकर माँ बाबूजी न जाने क्या क्या सपने देखा करते थे। भैया विलायत जाएंगे, एक बड़े इंजीनियर बनेंगे, इसके लिए और बहुत रुपयों की जरूरत थी। सो पिताजी बड़ी तनख्वाह पर अफ्रीका चले गए। मैं उन दिनों नई नई कॉलेज पहुंची थी, कुल 3 ही साल तो हुए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे एक युग बीत गया हो। सब कुछ ठीक से चल रहा था, पिताजी का खत आता था, रुपए आते थे, भैया दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे, घर सुख और शांति से भरपूर था। अचानक एक दिन भैया कॉलेज से बुखार लेकर आए, 15 दिन बेहोश रहकर, और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे लगा जैसे पैरों के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। माँ तो पत्थर हो गई, बाबूजी खबर पाते ही रवाना हो गए, लेकिन भाग्य तब तक हमसे रूठ चुका था। बाबूजी जिस प्लेन से आ रहे थे वो पहुंचा ही रास्ते में ही गिर पड़ा। आनंद बाबू, माँ को सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, उनका दिल पहले से ही कमजोर था। डॉक्टर साहब ने कहा वो ये दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, कभी नहीं कर पाएंगी। फिर तो कितने ही तूफान आए और चले गए, ये घर गिरवी रखना पड़ा, मुझे नौकरी करनी पड़ी, माँ को कुछ पता नहीं, उससे कहती हूँ, पढ़ रही हूँ, खुद लिखती हूँ और बाबूजी का खत कहकर सुना देती हूँ, तनख्वाह हाथ पे रख देती हूँ, कहती हूँ बाबूजी ने रुपए भेजे, अभी नहीं। अब तो सारा जीवन अभिनय बनकर ही रह गया है। कभी कभी सोचती हूँ कि बस अब और नहीं होगा। क्या बता सकती, भगवान ने इतना बड़ा बोझ ये अभिनय मेरे सर पर क्यों ला दिया। रेनू, ये जीवन ही एक नाटक है जिसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी भूमिका दी है तो सिर्फ इसलिए उसे तुम पर भरोसा है, विश्वास है। लेकिन आज तुमसे मैंने एक बात सीखी है कि वो झूठ सच से 1000 गुना बड़ा है, जो किसी दुखी को शांति दे, सुख पहुंचाए। ओ, तो नंदू ने तुम्हें भेजा है, तुम्हें स्कूल के काम के बारे में कुछ मालूम है? जी हाँ, जिसके साथ मेरा मतलब है कि जिसके साथ मेरा वो चल रहा है ना, वो भी आप ही की तरह मास्टर नहीं। बस बस ठीक है,
150 रुपये तनख्वाह मिलेगी। कल छुट्टी है, बस चलाकर देख लेना। अगर कोई खराबी हो तो उसे नंदू के गैरेज से ठीक करा लेना। और बच्चों का मामला है, जिम्मेदारी का काम है, होशियार रहना। जी बहुत अच्छा। ये लो गाड़ी की चाबी, और ये लो शर्ट पैंट और टोपी। फिर कह देती हूँ, गाड़ी आहिस्ता चलाना। जी मैं बिल्कुल ही आहिस्ता चलाता हूँ। जाओ। इजाजत मिल जाए तो आपको यहाँ से उठा के भी ले जा सकता हूँ। बाप रे, बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। वाह, खुश क्यों नहीं होगा, बेकार से बाकार हो गया। तो नौकरी मिल गई? कहाँ किस ऑफिस में? ऑफिस वापिस कोई नहीं, और शायद आप सुन के खुश भी नहीं होंगी। क्यों? एक ड्राइवर का छोटा मोटा सा काम मिल गया है। काम कभी छोटा नहीं होता आनंद बाबू, मैं तो सिर्फ उन्हें छोटा समझती हूँ जो खुद कुछ नहीं करते। अपने बाप दादू की कमाई पर गुजर करते हैं और समाज पे बोझ बने रहते हैं। आप तो मेहनत मजदूरी करके गरीबी से लड़ रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। जी, एक बार फिर से कहिए। क्या? कि आप मुझसे देखिए, बहुत जोर से लगा क्या? देखो तो यहाँ कोई निशान तो नहीं है। जरूरी है कि निशान यहाँ हो। तो और कहाँ होगा? आप अपनी हैसियत से बाहर जा रहे हैं, फूले नहीं, आप एक मामूली ड्राइवर हैं। जी मैम साहब, गुस्ताखी माफ। जल्दी से तैयार हो जाइए, गाड़ी आपके बहुत देर से इंतजार करेगी। अच्छा, गाड़ी लाए हैं? बहुत बड़ी गाड़ी है, फौरन तैयार हो जाइए, वरना माँ की इजाजत लेकर आपको जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। चलिए। हाँ तो छोड़िए। जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरे होशियार सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के Thank you.
की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। है तेरी परछाइयाँ तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयाँ, चांद सूरज भी है तेरी परछाइयाँ तुझसे रोशन हुई दिल की गहराइयाँ, तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली, ओ तेरे चेहरे की झिलमिल से मंजिल मिली, ऐसी प्यारी पूनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है तेरी होशियार गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे सुनना से कहीं सर आंखों पर। जरूर डाल देना पड़ेगा, चोर जो पकड़ा है। अच्छा बाबा लो बांध लो पक्की। जल्दी 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 शाबाश। रेडी 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 ना आया आया पकड़ लिया पकड़ लिया। जाने कौन है देखने से एकदम पागल लगती है। आवाज चले रो नहीं बेटी, रोने से क्या फायदा, साफ साफ बताओ ना। मैंने कहा हेलो प्रिंस तो चौंक गए और फिर फिर क्या हुआ? और फिर एक मामूली लड़की का हाथ पकड़ उसे स्कूल बस में बिठाया और खुद ड्राइव करके चले गए। स्कूल बस? कौन से स्कूल की बस? सरोजनी गर्ल्स स्कूल। सरोजनी गर्ल्स स्कूल। आनंद पेट्रोल तो डाला। अब तेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ आनंद तू ये बस लेकर कहीं घूमने गया था क्या? मैं भी यही सोच रहा था कि ये बटुआ किसी स्कूल के लड़के का है। ये तो ये किसी और का है ना, वही एबीसी वाले है ना। मैं तो पहले ही समझ गया ना। चल अपनी कहानी सुना। कहानी वाली कुछ नहीं है। नहीं मैं कहानी नहीं तो सच सच ही बता दे। वैसे तू अपनी तरफ यूं घूर के मत देख, नहीं बताता है तो ये बटुआ फिर हेडमास्टरानी के पास पहुंच जाएगा। हाँ कुछ नहीं, यही समुद्र के किनारे जाकर हाँ। पास पास बैठे रहे। क्या कहा? समुद्र के किनारे पास पास बैठे रहे गधा करने का क्या? अरे भाई तुझे नहीं, तू आगे सुनो। नीला आसमान हाँ। लहरों का मधुर संगीत हाँ। आंखों में आंखें डाल के उल्लू का पट्टा कहीं का। फिर गाली दी? अरे बाबा तुझे नहीं, तू बोलना आगे। बाहों में बाहें डाल कमबख्त। ये हो क्या गया? गालियां पर गालियां दिए चला जा रहा है। अरे बाबा तुझे गालियां नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को गालियां दे रहा हूँ। आनंद जिंदगी भर मैं किसी लड़की का हाथ लेकर समंदर के किनारे नहीं बैठा। भाभी का हाथ भी नहीं पकड़ा है? देख तेरी की किसका नाम लिया तूने। अरे भाभी भी कोई लड़की है जो उसका हाथ पकड़ो। भाभी का हाथ पकड़ना और मरे हुए सांप का हाथ पकड़ना बराबर है। बोलूंगा भाभी से। देख आनंद बोलना मत, मैं ये कह रहा था कि तू बड़ा भाग्यवान है रे। तू भी भाभी से मीठी मीठी बातें कर हाँ। नगमे सुना, तू भी भागवान हो जाएगा। सच कहता है।
वो आ रही है, ज्यादा जल्दी से जा, आज मैं भी उसको मीठे मीठे गीत सुनाऊंगा। जा तू जा रहा है यार, कबाब में हड्डी मत बन जा रहा यार। लो खाना लो। आओ आओ रानी आओ, तू आए के खड़ी भई हो तो ऐसा लगे कि जैसे कड़ी लोग झूल के खड़ी भई गई। तुम्हारा आँख, अरे तुम्हारा आँख जैसन की सर्च लाइट का, तुम्हारा आवाज, अरे तुम्हारा आवाज मर्सिडीज गाड़ी का हॉर्न, और तुम्हार मुंह, तुम्हार मुंह जैसे चौधरी का चांद। चौधरी का चांद का टिकट नहीं है का? अरे सनी मना ही पगली, तुम्हार मुंह जैसे चौधरी का चांद। आज तो अमौत है। अरे हमारा मजा किरकिरा ना कर रानी, हमारी तबीयत चाहते है कि समंदर का किनारा हो, ठंडी ठंडी हवा हो, तू हो, हम हो, हम हो, तू हो। अच्छा तो आज फिर दारू पिया था का? अरे दारू नहीं, पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। हम तो वहाँ पर चले, हम तो वहाँ पर चले, हम तो वहाँ पर चले। जरा छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। की ठोकरी अरे जादू भरी पुड़िया, वो छोटी सी पिटिया गज भर की चुट्टिया, न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। वो छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। जीवन के रास्ते हंसने के वास्ते न रोना तू मेरी नीता, ओ तुझको घुमाऊंगा दुनिया दिखाऊंगा, न कर झगड़ा मेरी रीता। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। मेरी कठपुतली बिजली से उजली, बड़ी भोली तेरी दुनिया, चलने में तीर है इतनी शरीर है, बड़ी जिद्दी मेरी मुनिया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा।
जी आपने मुझे बुलाया? तुमने लड़कियों को गाना सिखाया? जी हाँ, आपको पसंद आया? गाना मैंने ही बनाया है और धुन भी मेरी ही है। तुमने गाना सिखाया? जी। गाड़ी तेज चलाई, स्कूल के नियम को तोड़ा, इसलिए ये लो 5 रुपए अपनी एक दिन की तनख्वाह और चले जाओ यहाँ से। जी। ऑलराइट, ये रही आपकी चाबी, ये रही आपकी टोपी, ये रही आपकी शर्ट और ये रही आपकी, इसको बाद में भिजवा। अरे साहब, आपको चाहिए कि आप कोई आपके जैसी बूढ़ी फोर्ड खरीदे। ये आजकल की मोटरें कचरा है, कचरा। कचरा तुम्हारे दिमाग में है, गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं। तो आपको क्या तकलीफ है बड़े साहब? तुम नंदू नाम के किसी आदमी को जानते हो? नंदू को भला मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? कहाँ है वो? पहले ये बताइए कि काम क्या है। वो आनंद को जानता है। आनंद वो जो स्कूल की बस चलाया करता था। तो फिर से पूछिए, नंदू कहाँ है? कहाँ है नंदू? नंदू आपके सामने हाजिर है। आनंद कहाँ है? आनंद, आनंद, आनंद को नुकसान होगा या फायदा? नुकसान नहीं होगा। सच? सच। नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको 3 दफा बोलना पड़ेगा। सच 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 बोलिए। सच सच सच। नुकसान आपको भी नहीं होगा। आनंद जैसा ड्राइवर आपको दुनिया भर में नहीं मिलेगा। पगार कितना देंगे आप उसका? जितना वो मांगेगा। ये हुई ना अमीरों वाली बात, अब तो उसकी शादी भी हो जाएगी। आप रुक क्यों गए? आइए आइए। ये उसका घर। अच्छा तो मैं चलूं? मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। आनंद, वो लड़की कौन है? अरे ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी कि क्या बुढ़े आदमी है ना। और आपकी समझ में क्यों नहीं आएगी? अरे आप भी तो कभी जवान थे। ये लड़का और लड़की दोनों में अगर आप इसको नौकरी देंगे तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। तुम जा सकते हो। अच्छा, मगर आप इसको नौकरी जरूर देना, इन दोनों में बड़ा प्यार है। अच्छा नमस्ते। आनंद। दादाजी आप यहाँ? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। दादाजी हम जा कहाँ रहे? घर। घर? घर से ही तो आप मुझे ला रहे हैं। जो घर तुम्हारा था वही है, वही रहेगा। आनंद बस बहुत हो चुका है नाटक। मैं कल ही रेखा के साथ तुम्हारी सगाई पक्की कर दूंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। आनंद रोको गाड़ी। अच्छा दादाजी, तुम्हारा आखिरी फैसला है। ड्राइवर चलो। क्या नाम बताया आपने? जी रेनू। ब्रेव गर्ल। पिता के मौत की खबर, उसने इस खबर को अपनी माँ से छुपा रखा है, क्या ये बिल्कुल पक्की बात है? जी हाँ, पास पड़ोस वाले कहते हैं कि लड़की बहुत भली है। भली है बुरी है ये मैंने नहीं पूछा आपसे। और कुछ? जी उसका मकान गिरवी है। किसके पास? सैयद घनश्याम दास के पास। घनश्याम दास को फोन कीजिए और उनसे कहिए इस मकान का रहनामा मेरे नाम से कर दें। जी सर। सुनिए आइए मेरे साथ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? माँ के पास, आज ही तुम्हें माँ से मांग लेता हूँ। माँ मंदिर गई है। अच्छा तो फिर कल सही जानते हो
एक ज्योतिष ने कहा कि मेरी शादी एक राजकुमार करोड़पति से होगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तो फिर कल आने से क्या फायदा? क्यों? तुम्हारी शादी तो एक करोड़पति राजकुमार से होगी और मैं ठहरा एक बेकार आदमी, सुबह से शाम तक काम ढूंढते ढूंढते जूते के तले घिसका है। अच्छा नमस्ते। पागल कहीं के, जानते नहीं तुम ही मेरे राजकुमार हो। ए, हमें कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? देख लो भाई देख लो, खूब मजे से देख लो, तुम भी तो पुराने प्रेमी हो। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कहीं ये सपना टूट ना जाए, कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूं। क्या तुम कह सकते हो मुझे ऐसा डर क्यों लगता है? तुम्हें डर इसलिए लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर
काम है तो यही चले आए। काम तो आपका ही है, ये मकान अब उन्हीं के पास गिरवी है। उनके पास? जी। क्या बात है, कहिए ना। क्या यहाँ कहना ठीक होगा? आपकी माता जी काल लाया। चलिए दरवाजा बंद कर लो। आइए आइए। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो। तुम तो जानती हो तुम्हारा मकान अब मेरे पास गिरवी है और उसके छुड़ाने का वक्त भी आ गया। देखिए मकान तो मैं छुड़ा नहीं सकती, फिर भी दया करके आप हमें कुछ मोहलत दें तो मेरी माँ। मालूम है बेटी, मुझे सब कुछ मालूम है। तुमने जो कुछ अपनी माँ अपने परिवार के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि एक बेवा बेसहारा की अगर कुछ मदद कर सकूं तो मैं समझूंगा कि मैंने भी जिंदगी में एक नेक काम किया है। यही कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम लोग जब तक चाहो उस मकान में रह सकते हो। किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं बेटी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक छोटा सा एहसान तुम भी मुझ पर कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हारा मकान तुम्हें वापस कर दूंगा। मेरी जान पहचान का एक लड़का है, लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, 400 रुपए तनख्वाह पाता है। मैं चाहता हूं तुम उससे शादी कर लो। क्या इसी बात के लिए आपने मुझे यहां बुलाया था? शादी करना या ना करना मेरा निजी मामला है। और ये मेरा भी निजी मामला है। मेरी शादी से आपका क्या संबंध? जानना चाहती हो? इधर आओ। पहचानती हो उसे? आनंद। हाँ आनंद, आनंद मेरा पोता है, मेरी सारी जायदाद का वारिस। मैंने उसकी शादी एक करोड़पति की लड़की से पक्की कर दी है, लेकिन तुम उसके रास्ते में आ रही हो। भूलो नहीं, आनंद एक करोड़पति है, उसके लिए तुम महज एक खिलौने के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं, सोच लो। लेकिन याद रहे, इसमें तुम्हारी मां की जिंदगी का सवाल है। आप? गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी शुक्रिया, मुझे गाड़ी की जरूरत है। दीदी, आनंद बाबू आए हैं। कैसे मैं घर पे नहीं? कल भी तुमने कह दिया था नहीं हो, आज भी कह रही हो नहीं हो। कह देने जाके मैं नहीं हूं। दीदी नहीं है? दीदी नहीं है?
और माँ? माँ कथा सुनने गई। माँ कथा सुनने गई? अच्छा तो दीदी से कह देना कि मैं आया था। सुनिए। अरे ये तो कह रही थी कि तुम घर पे नहीं हो। मैंने दरवाजा बंद कर लो। चलिए आपसे कुछ कहना है। लेकिन लेकिन बात क्या है रेनू? आपसे एक बात कहनी है। पहले मेरी सुनो, फिर जिंदगी भर से मुझे तुम्हारी बातें सुनूंगी। आनंद बाबू, हमें जिंदगी से लड़ना पड़ता है। आप लोगों की तरह जिंदगी हमारे लिए खेल नहीं है। खेल? हाँ खेल, खेल नाटक। लेकिन मैं पूछती हूँ, दिल बहलाने के लिए और भी तो बहुत से रास्ते थे आपके पास, फिर मेरे दिल से खेलने की क्या जरूरत थी? खेल नाटक, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। सेठ द्वारका दास के पोते का गरीब बनकर बस्ती में रहना, नौकरी की तलाश में घूमना, एक गरीब लड़की को धोखे में रखना नाटक नहीं तो और क्या है? रेनू मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अब कहो क्या ये खेल है और कुछ नहीं है? ये सच है कि मैं द्वारका दास का पोता हूँ, लेकिन क्या मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है? इंसान के नाते मैं कौन हूं, क्या हूं, यही जानने के लिए मैं उस चार दीवारी से बाहर निकला हूं। यही मेरी असली दुनिया है। यहाँ कुछ भी नाटक नहीं है, कुछ भी खेल नहीं है रेनू। तुम्हारे दादाजी ने कहा कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, एक मैं ही इस रास्ते में रुकावट हूँ। देखो रेनू, मेरी दुनिया में जो कुछ भी है तुम ही हो, और इस दुनिया से दादाजी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मेरी दुनिया में जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसका क्या होगा? तुम्हारे दादाजी ने कहा कि मैं अगर तुमसे मिलना जुलना बंद नहीं करूंगी तो वो ये सारा फिर माँ से कह देंगे, और उसका मतलब कि माँ की जिंदगी। आनंद, 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 छोटे साहब आ गए। कहाँ? मैंने अभी अभी अंदर आते देखा। तो जाए यहां से। मैं यहां हूं। मैं पूछने आया हूं रेनू से, आपने उसकी सीधी बातें छोड़ दी। आनंद ये बात देखो, माय लेटेस्ट कलेक्शन, कितना बारीक का। जी हाँ बहुत बारीक, और उससे भी बारीक है आपकी चाल। आनंद, रेनू को बुलाकर समझाने का आपको क्या अधिकार है? मैंने अपने अधिकारों की कैफियत किसी को नहीं दी, और शायद तुम ये भी जानते हो कि मैंने आज तक जिंदगी में किसी से हार नहीं मानी। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि आप रेनू को किसी न किसी तरह मुझसे दूर कर देंगे। ठीक है, लेकिन रेखा से भी आप मेरी शादी जबरदस्त नहीं कर सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भी हार कभी नहीं मानता हूं। आनंद, तुम रेनू को बहुत चाहते हो ना? अगर ये सच है तो तुम्हें रेखा से ही शादी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी जिद की कीमत रेनू को अपनी मां की जान से चुकानी पड़ेगी। हां, अगर कोई मेरे सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसके सपने को चूर चूर कर दूंगा। आखिरी बार मिल आया। आखिरी बार? हाँ। दादाजी की बात मुझे माननी ही पड़ी, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। तुमने जो जी जान से कोशिश करके मां की जान बचा रखी है उसे बर्बाद करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मालूम रेनू, पैसे की दुनिया बड़ी मतलबी दुनिया है। वहां हर चीज दया माया प्यार, हर चीज स्वार्थ के तराजू पर तोली जाती है, और यहां
इस दुनिया में बिना मांगे ही मुझ पर प्रेम ममता और दया की बरसात हुई। मेरा रोम रोम फूला नहीं समाता था, यहां तक कि खुशी के मारे मैं उस दुनिया को भूल बैठा। लेकिन वो दुनिया मुझे नहीं भूली रेनू, ऐन वक्त पे अपना हक जताने चली आई। मेरी रगों में से एक द्वार का दास का खून है ना, उस खून का कर्ज मुझे अदा करना पड़ा। मैं जानती थी इतना सुख मेरे भाग में नहीं है। मेरी शादी भी पक्की हो चुकी है रेनू, शादी होती दादाजी की मलकियत दुगनी हो जाएगी, और अगर मैं ना कह देता तो दादाजी मां का सपना चूर चूर कर देते। तो अगर मैं जानता रेनू के प्यार की यह कीमत चुकानी पड़ेगी तो कभी प्यार नहीं करता, कभी प्यार नहीं करता। आज राखी है। अरे आनंद तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ। आज मैं तुझे वो सबक देता हूँ कि तू भी याद करेगा। अरे दुल्हनिया, वो दुल्हनिया। आप घर की आ गई, जानती नहीं है राखी बंधन। मैं कब से रात देख रही हूँ, और नवाब साहब, बाप रे, आज कुछ नहीं बोलूंगी। तुम बैठो भैया, मैं आती हूँ। चल चल बांध राखी, बांध। सुन बे, आज से तू इसका भाई है, तो मेरा कौन हुआ? ले चल, खा ले मिठाई, खा ले, खा चल, खा ले, खा खा खा। अरे तेरी बहन को शनिवार दिखाना है तो मैं चलता हूँ। अच्छा आने तुम रोज धमकाते हो ना, चला जाऊंगा चला जाऊंगा। अब देखती हूँ कैसे तुम चले जाते हो। भैया आज तुम देर करती ना, तुम्हें बहुत डर गई थी, मैंने सोचा तुम सचमुच चले गए। मुन्ने एक गिलास पानी धरा दे जरा। हाँ भैया अभी लाती हूँ। अरे भैया, भैया तुझको आनंद की कुछ खबर मिली? नहीं नंदू भैया, फिर वो गया कहाँ? कल से उसका कुछ पता ही नहीं। मैं रेनू बहन के यहाँ गया था पर वो थी नहीं, आने के लिए कह दिया है, उनके आने पर पता लगेगा। वो देखो रेनू बहन आ गई। रेनू बहन, तुम्हें आनंद का कुछ पता है? रेनू बहन तुम्हें मालूम है आनंद कहाँ है? देखो ना, कल रात को आया था, ढेर सा पैसा रख के चला गया। इतना पैसा तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और कल का गया है तो अभी तक उसका पता नहीं है। जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होंगी। नहीं शादी, आनंद बाबू बिल्कुल ठीक है। तो तुम जानती हो आनंद कहाँ है? कहाँ है? आखिर वो घर क्यों नहीं आया? बोलो ना दीदी, आनंद भैया कहाँ है? शादी, आनंद बाबू अपने घर चले गए। अपने घर? उनका घर तो यही है। नहीं शादी, सेठ द्वारका दास के पोते का घर ये कैसे हो सकता है? सेठ द्वारका दास का पोता, अपना आनंद? ये तुम क्या कह रही हो रेनू बहन? हाँ बहुत बढ़िया, उनका हमारे साथ सिर्फ एक सपना था, एक राजकुमार कुछ दिनों के लिए घूमने निकला था और हमें अपना लिया था। समय खत्म हो जाने पर वो अपनी राजधानी लौट गया,
वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे ना। सोना महल जगमगाएगा, राजकुमारी आएगी। और दीदी, हाँ शांति, तुम्हारे भैया की शादी हो रही है, चल तुम्हें खबर मिल जाएगी। ये सब नाटक था, ये सब खेल था। शांति, आनंद के दिए हुए पैसे लेकर आ। क्या हुआ मोहन? वही जो हमेशा से होता आया है नंदू, ये अमीर आदमी जितने बाहर से चिकने चुपड़े होते हैं ना, अंदर से उतने गंदे होते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? शेठ द्वारकादास का पोता आनंद। शेठ द्वारकादास का पोता? कौन सा आनंद? वही आनंद, वही साफ साफ जिसको हमने दूध पिलाकर पालाया था यहाँ पे, जो गरीब का भेष धर के यहाँ हमसे खेलने आया था, जिसने रेनू बहन जैसी खूबसूरत और सुंदर और मासूम लड़की का दिल तोड़ा और दूसरी शादी में चले गए। तुम क्या कहते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ रामू। दोस्तों, कुदरा खाकर उसे खिलाया हमने, जी जान से उसको हमने चाहा, और हमारे प्यार की कीमत क्या दे गया है मालूम है? ये रुपए हमारे प्यार की कीमत दे गया है नंदू। ये अमीर इतना नहीं जानते कि अगर हम प्यार कर सकते हैं तो चोट खाने पर हम तहस नहस भी कर सकते हैं, और यही सबक आज मैं उसे सिखाऊंगा। मोहन भैया, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सब का मामला है। तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। आनंद है? कौन? अरे मोहन, तू भी कमाल करता है। आनंद बाबू बोल, आनंद साहब बोल। हाँ, आनंद साहब से मिलना है हमको। क्या काम है? जो काम है हम उन्हीं से कहेंगे। नहीं मिल सकते, चल जाओ यहाँ से। दरबान, खोल दो दरवाजा। ओ, सलाम आनंद बाबू। राम राम सरकार। बाबू सरकार, ये सब क्या कह रहे हो? बाप रे बाप, सेठ द्वारकादास के पोते को सरकार नहीं बोलूंगा, सलाम नहीं करूंगा? और अपने भाई को भाई नहीं बोलोगे? आनंद बाबू, हम गरीब हैं मगर ये बोल हमारे लिए बहुत माने रखते हैं, इस पर कलंक मत लगाओ। मैं समझता हूँ मोहन, इन बोलों की पवित्रता को शायद तुम्हीं लोगों से सीख के आए। तो इसीलिए शांति को ये पैसे दे आए थे? आनंद बाबू, काश ये भी हमसे सीख लिया होता तुमने कि हम प्यार खरीदते नहीं, बेचते नहीं, हम प्यार का सौदा नहीं करते। शांति, वापस कर दे यह हार, फेंक दे, फेंक दे। मोहन, ये हार वापस करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, ये शांति का हार है और मैंने उसे दिया है एक भाई के नाते। भाई? और मेरा कोई भाई होता तो जानते हो मैं क्या करता? वो अब भी कर सकते। बदमाश दरबार। मोहन, लो और मार लो, जी भर के मार लो, लेकिन साहब और सरकार क्या कि मेरा अपमान मत करो। अपमान? मान अपमान बस तुम्हारा ही होता है, रेनु बहन का नहीं है। उसकी जिंदगी से खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लोग नहीं समझोगे, मैं मजबूर हूं। मजबूर क्यों? नहीं, मैं नहीं बता सकता। ढोंग छोड़ो आनंद, अगर खैरियत चाहते हो तो हमारे साथ चलो, तुम्हें रेनू बहन से ही शादी करनी पड़ेगी। मोहन, मैं रेनू से शादी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? भैया, आनंद भैया। शांति, शांति, यहाँ आओ, चल यहाँ। एक चीज याद रखना आनंद, हम वापस आ रहे हैं और आज हम इसका फैसला करके रहेंगे। चल चल शांति, चलो के पास। आज हम उसे दिखा देना चाहते हैं कि हम इतने कमजोर नहीं है जितना वो हमें समझता है। हम तुम्हें उसके मकान के सामने ले जाकर खड़ा करेंगे और चीख चीख कर कहेंगे कि देखो दुनिया में शैतान कैसे कैसे रूप में रहता है। मोहन भैया, तुम लोग घर चले जाओ और ये सब भूल जाओ। भूल जाओ? रेनु बहन, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा पाप। उसने कोई अन्याय नहीं किया मोहन भैया, कोई अन्याय नहीं किया। तुम अपनी सुध खो बैठी हो, तुम्हें अपने मान अपमान किसी चीज की परवाह नहीं है, तुम उस शैतान के। भैया, बार बार शैतान कहकर उसका अपमान मत करो, तुम लोग चले जाओ यहां से। हो,
हम तो ये सोचकर आए थे कि उसने सबसे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी की, तो सजा भी उसे तुम्हारी आंखों के सामने मिलनी चाहिए। मगर तुम उसके प्यार में पागल हो गई हो। कोई बात नहीं है, तुम यहां बैठ कर आंसू बहाओ, हम उससे खुद निपट लेंगे। अभी तो सर खुला था, आपकी जान ले लेंगे। हाँ, सर से खून निकाल के देखा कि अमीरों के खून का रंग हमारे खून की तरह लाल है या नहीं। कहाँ जा रही हो? उनसे माफी मांगूंगी, कहूंगी तुम लोगों से अनजानी में अन्याय हो गया। पागल हो गई हो और अपमान मोल लेना चाहती हो? चाहिए तो मुझे हर चीज नहीं, और अगर चाह नहीं है तो माँ से पूछ लो। माँ जी, क्या तुम माँ की मांग का सिंदूर मिटा देना चाहते हो? क्या? हाँ, माँ का सिंदूर छूटा है, उसे सिंदूर लगाने का कोई अधिकार नहीं। आज से 3 साल पहले ही बाबूजी का देहांत हो चुका है। ये सच्चाई माँ से बर्दाश्त न होगी, उसका दिल टूट जाएगा, वो मर जाएगी। इसीलिए उसे आज तक बुलावे में रखा है। न जाने किस तरह ये बात आनंद के बाबूजी को मालूम हो गई और उन्होंने इस राज का फायदा उठाया। क्या कह रही हो? सच कहती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आनंद उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करेगा तो ये राज माँ से कह दिया जाएगा। और आनंद ने माँ की मौत और अपनी बर्बादी के बीच अपनी बर्बादी पसंद की, और तुम लोगों ने तुम यहाँ क्यों आई? मैं एक बार आनंद बाबू से मिलना चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं मिल सकती, चल जाओ। सिर्फ एक बार मिलने लगी, आखिरी बार, फिर कभी उनसे नहीं मिलेगी, कभी नहीं वादा करती मुझे। उन पर बड़ा अन्याय हुआ है, सिर्फ माफी मांगकर चली जाऊंगी, फिर अपनी छाया भी उन पर नहीं पड़ने दूंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। रघु जी, मालिक, इन्हें आनंद के पास ले जाओ। आइए। छोटे साहब, एक लड़की आपसे मिलने आई है। कह दे मुझे किसी से नहीं मिलना। लेकिन मालिक ने तो उसे ऊपर भेज दिया। मेरा भाग्य ही ऐसा है, जिस पर भी मेरी छाया पड़ती है उसे दुखों के बादल घेर लेते हैं। ना मुझसे मुलाकात हुई होती, ना तुम्हारे माथे पर ये बेइज्जती का दाग होता। ये बेइज्जती का दाग नहीं है रेनू, मेरे अंधेरे जीवन में ये प्यार का एक दीपक है जो सदा जगमगाता रहेगा, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मुझे भी कभी किसी ने सच्चे दिल से प्यार किया था। आनंद, फिर आ गए तुम लोग, चले जाओ यहाँ से। देखिए दरबार साहब, बस एक बार हमें आनंद बाबू से मिला दीजिए। नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, ये शोक क्यों मचा रखा है? हम लोग सिर्फ आनंद बाबू से एक बार मिलना चाहते हैं। नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। शिवजी, सिर्फ उन्हें एक बार बुला दीजिए, हम उनसे माफी मांगने आए हैं, अनजाने में हमसे बड़ी गलती हो गई है। तुम लोग जहाँ तक हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं नहीं, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सिर्फ माफी मांगकर चले जाएंगे। यस सर, पुलिस को बुलाइए। सुनिए, तुम कौन हो? मैं रेनू की माँ। रेनू की माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आनंद को आपसे छीनने नहीं आई हूँ, उसे आशीर्वाद देने आई। आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। माँ, माँ, ये क्या? यही तो मेरा असली भेष है बेटी। जब सुना कि वो अब नहीं रहे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, होश में आते ही तेरी याद आ गई। सोचा इस नन्ही सी जान को मेरे लिए कितने दुख उठाने पड़े, अपना सुख, अपनी खुशी, सब कुछ तो निछावर कर दिया तूने, और तेरे साथ आनंद ने भी। इसीलिए चली गई। मत रो, मत रो। बहुत हो चुका है नाटक, ये रोना धोना आपके घर जाकर कीजिए।
जाइए यहां से। दरबान फाटक बंद कर दो। आप घर जाइए मां जी। नंदू मोहन तुम लोग भी घर जाओ। ये पैसे की दुनिया है, यहाँ दया माया और प्रेम का कोई स्थान नहीं है। जाओ तुम लोग, चले जाओ यहां से। तुम मत जाओ। आनंद। हाँ आज मुझे सहारा दो। तुम्ही ने मुझे सच्ची दुनिया दिखाई है और आज तुम्ही को मुझे उस जीवन की तरफ ले जाना होगा। आनंद। दादाजी आप बड़े घमंड से कहा करते थे कि आपने कभी किसी से हाथ नहीं मांगी। शायद आप भगवान को भूल बैठे, इसीलिए उन्होंने मां जी की आंखों से झूठ का पर्दा हटाकर आपका घमंड चूर चूर कर दिया है। तुम कहना क्या चाहते हो? आप किस धमकी से मेरी शादी रेखा के साथ? आनंद अंधे मत बनो। अंधा था दादाजी लेकिन अब नहीं। अब आंखें खुल गई। ये मोहन है, मोहन दादाजी, मोहन। इसने मुझे सिखाया है कि भाई का प्यार क्या होता है। और ये है शांति, शांति। अपने हाथ की चूड़ियां बेचकर इसने मुझे खिलाया है। सेवा और स्नेह से सिखाया है कि बहन का प्यार क्या होता है। और वो है नंदू और वो रामू, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि दोस्ती क्या है, दोस्ती के माने क्या है। भाई का दिल, बहन का स्नेह, मां का आशीर्वाद और सच्चा प्यार मुझे इन्हीं लोगों से मिला है जो कि आपकी सारी दौलत मुझे लगे। दादाजी आपने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरा परिचय क्या है, आज बताता हूं। मैं इन्हीं में से। तुम बेवकूफ हो, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी अभिशाप गरीबी को गले लगा रहे हो। अपने आप को इनमें समझ के नाप कर रहे हो। यही सच्चे अमीर हैं दादाजी, क्योंकि वे दिल के अमीर हैं। जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? जानता हूं। तो ये भी सुन लो, यहां से बाहर गए तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक बार खुली हवा में सांस लेकर फिर कोई जेल खाना पसंद नहीं करता है दादाजी। आइए दरवाजा बंद करो। क्या मजे की मिठाई है रेणु बहन, जरा प्यार से। हाँ जरा प्यार से। अरे खाना, शर्माता क्यों है? अबे खा लेगा, नया नया दूल्हा है, पहली मर्तबा तो शादी कर रहा है बेचारा। सौभाग्यवती हो बेटी। ये लो बेटी, आज से मेरी तमाम जायदाद के मालिक तुम। लो, लो। खुश रहो। सर सर सर, ऐसे नहीं जाने देंगे। शांति, आज शुभ दिन है, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। असली घी किए खाके देखिए, खाके देखिए, बहुत मजे किए, खाके देखिए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है।